ऐसी है कि हमारा पर्सोना मिसेस इंडिया हर साल होता है और हर साल मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ और मेरे फाइनलिस्ट आप लोगों से रूबरू होते हैं। इस साल भी हम लोगों ने जो पर्सोना मिसेस इंडिया किया हुआ है उसके फाइनलिस्ट आए हुए सीज़न 5 के, जो इस बार ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। हमने पूरे इंडिया के कोने में जा जा के इंटरव्यूज़ लिए, ऑडिशंस लिए, वहाँ से उन्हें सिलेक्ट किया गया और फिर उन्हें लाकर मुंबई लाया गया है और आज उनकी वेलकम पार्टी है। तो उस वेलकम पार्टी में आप सब भी इन्वाइटेड हैं और मैं भी आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सो बेसिकली मिसेस इंडिया इज सिर्फ मिसेस इंडिया है, हमारा मिस्टर में नहीं है, मिस में नहीं है, हम फेमिना मिस इंडिया जैसे सिर्फ मिसेस इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली हमारे इस बार 33 फाइनलिस्ट है, यूजुअली 40 थे बट ड्यू टू रेन्स एंड कुछ इमरजेंसी नहीं आ पाते, हर साल ऐसा होता ही है, बट इस बार फाइनली 33 लोग आए हुए हैं और वो 33 लोगों को ग्रूमिंग का काम चालू है परिमल मेहता के थ्रू एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड विद द BPM क्लब और BPM क्लब ने उनकी पार्टी होस्ट की है ताकि उनकी वेलकम पार्टी हम यहाँ होस्ट कर पाए, उन फाइनलिस्ट को हम थोड़ा सा बॉम्बे की नाइट लाइफ दिखा पाए। सिर्फ पर्सोना मिसेस इंडिया में ऐसे दो राउंड्स होते हैं, वन एथनिक राउंड जो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, अनदर वन विल बी योर Q&A राउंड। तो दो राउंड्स होते हैं, वन एथनिक, वन इवनिंग वेयर गाउन राउंड और सेकेंड राउंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं टॉप 15 से, उसके बाद रनर अप्स एंड विनर्स निकलते हैं। तो टोटल आप मान सकते हैं इसमें दो राउंड्स होते हैं। आप इसके डायरेक्टर में हैं, MD हैं, और किस तरह का है ये अर्चना कोचर, मनाली जगताप, अवि मित्तल, करण खंडेलवाल, आकाश चौधरी, देर आर मेनी मोर पीपल जो इसमें जूरी है, एज अ होस्ट है। टैलेंट राउंड की जूरीज जो हमारी हैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, अपार्ट फ्रॉम देम बहुत सारे लोग हैं, हमारे सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, फिल्म ग्लैम मैगजीन हमारे साथ है, रेडियो मिर्ची है, सिमका है। इस बार ये शो अतरंगी चैनल पे आ रहा है, फाइनली हमें 5वें सीज़न तक एक शो एक हमारा चैनल पे मिल गया, क्योंकि यूजुअली इवेंट्स बहुत होते हैं बट उन इवेंट्स को टेलीकास्ट करने के लिए कोई चैनल नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। सो दैट्स हाउ पहले उल्लू था हमारे साथ, इस बार हमारे साथ अतरंगी चैनल जुड़ा हुआ है और अतरंगी चैनल में ये टोटल 3 से 4 एपिसोड में दिखाया जाएगा वीकली वाइज। तो ये एक रियलिटी शो जैसा है फिल्म मिसेज इंडिया के लिए। अब कैटेगरी और हम क्या देखते हैं ऑडिशन में, बेसिकली एक औरत शादी के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर देती है। मिसेज इंडिया सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो दुनिया के सामने। सो पर्सोना मिसेज इंडिया के जो ऑडिशन के जूरीज होते हैं यूजुअली हम उस बेस पे उन्हें सिलेक्ट करते हैं, उस कॉन्फिडेंस लेवल, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो स्माइली फेस। सो मिसेज इंडिया इज हम नहीं कहते कि वो मिस कैटेगरी का एकदम बहुत अच्छा फिगर होगा बट मेरे हिसाब से वो मिसेज का सबसे बेस्ट फिगर हो सकता है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर हो सकता है या सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी हो सकती है। उस बेसिस पे हम मिसेज इंडिया में लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इसका फिनाले GM स्टूडियो पे है, इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसे शूट कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स इज अ शो, रियलिटी शो। तो फाइनली ये बोलना चाहूँगा 5 साल हो गए, 5 साल में मुझे आज भी याद है आप सब आए थे मेरे शीक नाम से, मैंने इसे रिलीज़ किया था और बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था उसका, पूरे फिल्मी जगत के लोग आए थे अंधेरी वेस्ट में और वो दिन और आज का दिन मैं याद करता हूँ। तो आज 5 साल हो चुके हैं, यूजुअली इवेंट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं बट जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज़ नॉट एन इवेंट, दिस इज़ अ शो, एज वेल एज दैट ये हमारा सपना है कि मिसेस दूर दूर तक जाए, ये हमारा सपना है कि मिसेस को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, मिसेस मिसगाइड ना हो। सो पर्सोना मिसेस इंडिया इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मैरिड फीमेल्स, मैं यही बोलना चाहूँगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 5th of July हमारा फिनाले है, ऑफकोर्स जब रिलीज़ होगा, ट्रेलर लॉन्च होगा इसका, तो आप सब तब भी इन्वाइटेड होंगे, फिनाले में भी आप लोग इन्वाइटेड होंगे तो सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। ये 5वां सीज़न है, सो लॉकडाउन में हमने 3rd सीज़न किया था, ऑफकोर्स लॉकडाउन में ऑनलाइन हुआ था तो आप बोल सकते हो हमने पर्सोना क्वारंटीन क्वीन किया हुआ था तो वो 3rd सीज़न में काउंट हुआ। बेसिकली ये 5th सीज़न है बट एक सीज़न ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ था, बाकी सारे सीज़न हमारे ऑफलाइन होते हैं। सो या पर्सोना पिछले 2 साल से हमने नाम भी चेंज किया है, शीख से इसे पर्सोना भी किया है।
तो सर फिफ्थ सीजन है और बहुत एक्साइटेड है हम सब, मैं, प्रियंका, मेरी मॉम बबीता वर्मा जी, मेरी पूरी टीम, हम सब बहुत दिन रात मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे मैं बताऊं तो डायरेक्टर हमारे जो है वो सफ़ी हैं, हमारे डीओपी जो पूरी कैमरा टीम है वो रुद्राक्ष है, वो कहीं और से आए हैं, नागपुर से आकर यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहा है। सफ़ी अपनी एक फिल्म का शूट छोड़ के सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे होस्ट जो है वो शार्दुल पंडित है, आपने लास्ट ईयर उन्हें बिग बॉस में देखा होगा, श्रवण है, अजय श्रवण, जो बहुत ही फेमस आरजे एंड पॉडकास्ट प्रोड्यूसर है। तो बेसिकली टीम हमारी बहुत अच्छी है, फिनाले में बड़ा मज़ा आने वाला है और सब मेहनत बहुत करते हैं सर। थैंक यू। मैं चुनी हूँ ईयर 2017 में, और तब मुझे ऐसे लगा कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनको आगे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, उनको मौका नहीं मिलता है, और ये पैजेंट इंडस्ट्री को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बल्कि मुझे मालूम है इस पैजेंट इंडस्ट्री से लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड उस तरीके से परसोना मिसेस इंडिया चालू हुआ। ये हमारा फिफ्थ सीज़न है, हमारे पास हर साल कम से कम 50 औरतें आती हैं जो फाइनलिस्ट होती हैं। हम ऑलमोस्ट 16-17 सिटीज़ में ऑडिशंस लेते हैं और वहाँ पे कम से कम हमारे पास 1000-2000 के डेटास आते हैं, उसमें से सिर्फ हम 50 सिलेक्ट करते हैं जो फाइनलिस्ट एज अ फाइनलिस्ट आते हैं। और वो सारी औरतें जो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 में थी, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी ये सीज़न 5 है, हमारा फिनाले होगा, हमारे एक फर्स्ट ईयर के विनर्स से लेकर 4-4 ईयर के विनर्स तक सब आते हैं। तो ये एक फैमिली बन जाती है और हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमने ब्लैंक कैनवस अकेडमी को हायर किया है, ये वही एकेडमी है जो फेमिना मिस इंडिया और डीवा मिस इंडिया को ट्रेन करती है। तो उनके अंडर जो फैकल्टीज है जो आ रही है, दीपिका मोटवानी है, अर्चना कोचर है, कविता खैरियत है, परिमल मेहता जो फाउंडर है ब्लैंक कैनवस के, वो कोरियोग्राफ करेंगे। तो उनके तरफ से ये सारी फैकल्टीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होती है ग्रूमिंग में, एक फैशन इंडस्ट्री में, वो वॉक हो गया, एटिकेट मैनर्स हो गया, फाइन डाइनिंग, स्पीच, क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ब्लैंक कैनवस सिखाई। फाइनलिस्ट ये फैशन है, तो एज अ शो स्टॉपर कोई नहीं है, बट हमारे 4 मेन विनर्स हैं और 2 रनर्स अप हैं। जैसे कि ये टाइम हमने 35 कंटेस्टेंट्स लिया है, क्योंकि वो चैनल की रिक्वायरमेंट थी कि उससे ज़्यादा नहीं जाए। उन 35 कंटेस्टेंट्स में से हम 4 विनर्स निकालेंगे जो कि इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी मेन विनर होगी वो मिसेस यूनिवर्स में जाएगी, उससे जो एक स्टेप नीचे है वो वुमेन ऑफ यूनिवर्स है, मिसेस अर्थ है और मिसेस वर्ल्ड वाइड है, और उसके बाद ऑफकोर्स वी हैव 2 रनर्स अप। थैंक यू। आज का प्रेस ऐसा है कि आज से हमारा परसोना मिसेस इंडिया स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ सीज़न में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऑल इंडिया से हमारी पूरी लेडीज़ें आई हुई हैं, आज पहला दिन है उनका यहाँ पर, आज इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें हुई हैं। और मेरा परिचय बताऊँ कि मेरा नाम बबीता सिंह वर्मा है और परसोना मिसेस इंडिया की डायरेक्टर हैं हम, और हमारे साथ के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से लेडीज़ें आई हुई हैं। अभी पहला दिन है तो उन्हें यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया है, आप लोगों के सामने वो सब आएंगी और जो भी सवाल जवाब है उनका देंगी। उनको यहाँ से ही हम बधाई देना चाहेंगे कि जितनी भी मिसेस आई हुई हैं सब मिसेस इंडिया तो है और सब अच्छे जीत के निकलेंगी और सब अच्छे तरीके से जाएंगी। Giving me this opportunity. Hello everyone, I am Rashi.
glamours and textile. The name Persona gave me a boost to prove my mettle to the world. So I think give a big thanks to Persona to prove my personality with my real self. Thank you. Hi, my name is Ankita Singh and I am from Pune. The reason I participated in Persona Mrs. India is to transform my life as well as to be an inspiration to many women like me. So I thanks to Persona that they have given me this opportunity to come here and present myself in front of all of you. Thank you so much. Hi, I'm Mrs. Shalini Bhattacharji from the city of Joy, Kolkata. I'm really very having this pleasure to perform on this platform where I can showcase my talent and make all the women to inspire that even women can do the same thing like the men do, and that's the boost to their life and they can have a positive vibes in their life. Thank you. Myself Bhavna Gite Majigar. I am from Mumbai. I want to be here to gain some new experiences and to infill my amusements. And Persona is giving me vision to settle till me, but I just want to work for others as well. And for that, I'm here. Thank you. Thank you so much. Ahmedabad, Gujarat. And through Persona Mrs. India, I want to win Big Boss Trophy. So, send me. Thank you very much. I am Archana Bansir from cultural capital of Chhattisgarh, that is Raigarh. I am 34. I'm by nurse. Nurse is my profession. Nursing is my profession. And Persona Mrs. India is a platform from where I can encourage every woman. If you believe in dreaming, then dream till it comes true. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम प्रिया साय है. मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. 37 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा एक बेटा है 12 साल का. और मुंबई में अभी मैं 6 महीने से आई हूँ और अपना जो ड्रीम है वो मैं पूरा करने के लिए ही मुंबई आई हूँ. देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, दिस इज मीता भल्ला फ्रॉम मुंबई एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ पर्सोना एंड टू एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल जर्नी. And I am come with high hopes and I want to explore myself, seeing myself on high levels. I'm so thankful to Persona and the associates. Thank you so much. I am Vandana and I have came from very beautiful city of waterfalls, Ranchi, Jharkhand. And I am here for winning the crown Mrs. Persona 2022. Persona has given us such an amazing stage and platform so that we can show our talent from even from a small city. Thank you. Hello everyone, my name is Manjusha Zadhu and I am from Nagpur. And I am very grateful to be the part of this event and this platform has given a space to explore myself. Thank you. Namaste everyone, my name is Dr. Varsha Machandra Edge from Pune. I am 39 years old, graduate in homeopathy and homemaker. I have vision about that persona, that I thankful about Persona Mrs. India that gives us such a beautiful platform about to follow our bliss and happiness. Thank you. Hello everyone, I'm Manpreet Kaur from the city of Heart, Delhi. I'm married to a forgery and Persona gives me a platform to learn from the leaders of the industry apart from the talented participants that we have. It would really help me to work on my skills and to be the best version of myself. Thank you. I'm Snigdha Mukherjee and I'm from Ahmedabad. I'm very grateful and thankful to Persona for giving me this opportunity to explore myself and show my talent to the world and explore myself to the fashion world. And it has given Indian married women a very good platform to show the best version of herself. Thank you so much. Hello, good evening all. First of all, I'm thankful to the Persona who selected me as the finalist. Myself, Shalini from Jalandhar. I am 40 years old. I have 2 kids and I'm very excited to come this platform because agar main yahan nahi hoti to aapse interact nahi kar pati. Aur aap media hi hain jo sabko direct hamari baat pahuncha sakte hain aur mera passion yahi hai ki main positivity phailaun aur sabko sahi guideline dun. Thank you so much.
Hi everyone, this is Dancing Gatha. I'm an actor, choreographer, dancer. I've been delivering a daily dance cover since March 25th, 2020. So till yesterday, I covered 828 dance video. You can find me on Instagram, Dancing Gatha is my ID. I would like to thank Persona Mrs. India for giving me this opportunity to be a finalist over here. And Persona is such a platform that, you know, it recognizes women who comes from all walks of life, who are independent and they look at the inner beauty and talent, and who are independent unapologetically. So I would really like to thank Persona for, you know, giving platform to all those women who aspire to be themselves unapologetically and want to make a mark in this industry. So Persona, I give you my best and you give us your best. Thank you so much. Thank you. Hello, my name is Nidhi and I am from Indore, and I am so much thankful for Persona who selected me as a finalist. And my passion is dance, and I want to explore myself in acting, dancing, field, and modeling field and passion. Thank you. Mamta Kumari hai, main Ranchi, Jharkhand se aayi hu. मैं पर्सोना में इसलिए आई हूँ कि मैं अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ. मेरा बहुत सपना था कि मुझे ऐसा स्टेज मिले, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ था नहीं अभी तक. मैं थैंक्स करना चाहती हूँ करण सर का, बंता मैम का एंड प्रियंका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा हूँ. मेरी एज 45 ईयर्स है, मेरे दो बच्चे हैं और मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ. मेरी लुक्स की एक ब्रांच है गुड़गांव में. मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट और काउंसलर भी हूँ. मैं पर्सोना में मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं पर्सोना में इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है इस स्टेज पर कि यहाँ आउटर ब्यूटी से ज़्यादा आपके इनर ब्यूटी को इन्हेंस किया गया है, और यहाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है उन लेडीज़ के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं. थैंक यू पर्सोना के सभी मेंबर्स के लिए, बहुत बहुत थैंक्स. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आई एम सुभाषिनी जॉर्ज फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़. माय एज इज़ 52 एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर. एंड थैंक्स टू पर्सोना for making me a part of this event as a finalist. मैं उन तमाम औरतों के लिए अपने टैलेंट से एक संदेश देना चाहती हूँ जो ये सोचती हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद सिर्फ चार दीवारी तक कैद है. नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला जो है वो जागरूक हो और अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की सुंदरता को, अपनी सुंदरता को, अपनी काबिलियत को पहचाने भली भांति, और दुनिया के सामने अपनी खूबियों को लाए. थैंक्स पर्सोना. हेलो हेलो एवरीवन, आई एम ममता गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, एंड इज अ सिटी ऑफ कंपैशन, अ वेलकमिंग सिटी फॉर ऑल द रिलीजन्स. वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड वी एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर. एंड आई हैव अ किड कॉल्ड नेम हिज नेम इज त्रिविद. And basically, I chose this platform, Persona Mrs. India 2022, that I want to prove that every woman is very beautiful and without any color discrimination or any figure. I mean, every woman is beautiful and woman is all in all. I love creating new ideas and fashion. I am very much inclined towards photography and so many things like music, dance, so many things. I just want to learn and learn throughout my life and leave a legacy behind. Thank you so much. Thank you. मैं सविता अरडे नागपुर ऑरेंज सिटी कैपिटल सेंटर ऑफ इंडिया से हूँ. मैं कुंभ में करूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्लैमर, वुमन्स वॉइस, वुमन्स पावर, यही है पर्सोना और यही है मेरी पहचान. यही पहचान को एक्सप्लोर करने में आई हूँ मिसेस पर्सोना इंडिया में सीजन 5. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्षा डुमरे. माय गुड ग्रेशियस नेम इज़ वर्षा डुमरे. आई एम बैंकर बाय प्रोफेशन, 37 ईयर ओल्ड. आई हैव टू किड्स. आई एम विथ पर्सोना. इट्स
it's my single honor, double pleasure and triple satisfaction to be associated with Persona Mrs. India. Persona Mrs. India has given me new look, new me. So that's all. Thank you. Very good evening, all of you. I am Dr. Meena Singh, Assistant Professor in BIT Mishra, Ranchi. I am 52 years old and I have an own NGO, it provides many health camp and it organizes and it works for the orphan children. I am very thankful to Persona Mrs. entire team of Persona Mrs. India so that for giving such a wonderful platform for us. मैं यहाँ अपने झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और तमाम महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इस स्टेज पर आ सकती हूँ तो आप सभी भी कुछ कर गुजर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट, आई एम निवेदिता पजुकर एंड आई एम फ्रॉम नागपुर. बेसिकली माय प्रोफेशन इज दैट आई एम अ टीचर, आई डील विद स्मॉल किड्स इन स्कूल. अदर दैन टीचर्स प्रोफेशन आई एम अ डांसर एंड आई हैव डन participated in dramas, plays. Then I proved myself as a radio jockey. So these are the other talents which I had. But by this platform, this is Persona, I want to explore myself more. I want to know myself, what else I can do. Yes, I have enjoyed my childhood, I have enjoyed my motherhood, but now I want to enjoy being a model, being Persona Mrs. India. I am really very thankful to this platform which has given me this opportunity to know myself and give myself a new start, a new beginning with the zeal. So once again, thank you. Thanks to the entire team of Persona Mrs. India 2022. You rock. And I will never forget whatever experience I will gain, and I will try myself to prove and take the other challenges in my life, in my coming life. Thank you. और मैं परसोने में आई हूँ कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करके दिखाने के लिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैं आगे जाके कुछ कर सकती हूँ. और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो जा रही है कि आगे मैं बढ़ सकूँ, ताकि और आगे जा सके कुछ लोगों को दिखा सकूँ, और जो मिसेस घर में बैठी हुई है उन लोगों को भी बता सकूँ, दिखा सकूँ कि मिसेस भी मतलब सब कुछ कर सकती है. थैंक यू. हेलो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र. माई सेल्फ अंजू देसवाल, मेरी उम्र 44 है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. रिसेंटली मैं चंडीगढ़ से हूँ. मेरे दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. मैं परसोना का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम मैरिड लेडीज़ के लिए वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने सपनों को फिर से उड़ान दे सकते हैं. एक एज आने के बाद हम सब सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर परसोना ने वो विश्वास सब में फिर से जगाया कि एक एज के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं. तो हम सोचते हैं कि अगर आज हम कुछ कर पाए तो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो भी कुछ कर पाएगी. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस सोनम चौधरी. आई हैव अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड कर्नल दीपक चौधरी एंड सन एंड डॉटर तुषार चौधरी एंड निशिता चौधरी. आई एम अ हाउसवाइफ बाय प्रोफेशन. माय एज इज 51. I have selected Persona because this is a good opportunity for me, and I want to achieve my goal in this, and I want to do my dreams come true. I run two businesses. One is interior designing and another one is a restaurant. And my purpose of entering these two Persona Mrs. India is to
I wish all my co-contestants all the very best, and I want to thank Persona for this great opportunity. Thank you. How Persona India was inspired? So, how Persona India.